धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। एक बहुत गंभीर मुद्दे पर आज एक बार फिर सदन चर्चा कर रहा है। 14 दिसंबर 2011 लगभग 3 वर्ष पहले इसी सदन में इसकी चर्चा हुई। अडवाणी जी ने उस समय चर्चा की शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे और अडवाणी जी को बोलने का अवसर मिला था। प्रणब दा जो उस समय के वित्त मंत्री थे, उन्होंने सदन में उस समय अपनी सरकार को बचाने के लिए बड़ा प्रयास किया और उत्तर दिया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर काला धन देश में वापस क्यों आए। जो कमाई देश के अंदर होती है और उसका टैक्स जब जमा नहीं कराया जाता तो आपके खजाने में पैसा आने के बजाय बाहर जाता, तो आपको पहला सबसे बड़ा नुकसान वो होता है। दूसरा, देश के विकास कार्यों पर जब वो पैसा नहीं लगता है तो उसमें विकास में भी कमी आती है और जो रोजगार मिलता है उसमें भी आपको कमी मिलती है। तीसरा, उसी पैसे का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आपके देश और विदेशी ताकतों के लिए किया जाता है। कालाधन गंभीर मुद्दा है। अडवाणी जी ने इस पर देश भर की यात्रा भी की, देश में जागरूकता फैलाने का प्रयास भी किया और काश पिछले 2 दिनों से जो मेरे मित्र वेल में आकर लगातार हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जब पिछले 5 से 10 वर्ष वो सत्ता में थे तब उन्होंने कदम उठाया होता तो आज मैं खड़ा होकर यहां पर आपकी चर्चा का उत्तर नहीं दे रहा होता। काश पिछले 5 वर्षों में जो घोटाले करके आपने हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, हिंदुस्तान का पैसा खाकर आप लोगों ने देश को खोखला कर दिया, खजाने में पैसा आने की बजाय वो व्यक्तिगत जेबों में जाना शुरू हो गया, तो ये अपने आप में दिखता है कि किस तरह से जनता ने उनको मात्र 44 सीटों पर सीमित करके रख दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या कहा था, ब्लैक मनी में हमने क्या कहा, आपने घोषणा पत्र नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए पढ़कर सुना देता हूं। बाय मिनिमाइजिंग द स्कोप ऑफ फॉर करप्शन वी विल एंश्योर मिनिमाइजेशन ऑफ द जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी। बीजेपी इज कमिटेड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग डाउन एंड ब्रिंगिंग बैक ब्लैक मनी स्टैश्ड इन द फॉरेन बैंक्स एंड ऑफशोर अकाउंट्स। वी विल सेट अप टास्क फोर्स फॉर दिस पर्पस एंड टू रिकमेंड अमेंडमेंट्स टू एग्जिस्टिंग लॉज और इनेक्ट न्यू लॉज। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ब्लैक मनी टू इंडिया व्हाट बिलोंग्स टू इंडिया विल बी पुट इन मोशन ऑन प्रायोरिटी। वी विल ऑल्सो प्रोएक्टिवली एंगेज विथ फॉरेन गवर्नमेंट्स टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन ब्लैक मनी। अब पिछले 6 महीनों में हमारी सरकार ने क्या किया, मैं यहां पर खड़ा होकर इस सदन से पूरे गर्व और पूरे मान के साथ ये कह सकता हूं, मेरी सरकार ने आज से ठीक 6 महीने पहले अगर हमारे मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया तो उसके अगले दिन 27 मई को कैबिनेट की पहली बैठक में पहला फैसला किया तो एसआईटी का गठन करके किया। और खड़गे जी, जो आप पिछले 3 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद नहीं कर पाए, हमारे प्रधानमंत्री ने 24 घंटों के अंदर वो करके दिखा दिया। ये कहते हैं विल पावर, काम करने की इच्छा शक्ति, घोषणा पत्र में कहा और आते ही हिंदुस्तान की जनता से जो वायदा किया था वो इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरा करके दिखाया, एसआईटी का गठन करके दिखाया। और यही नहीं, इनके समय मैंने प्रणब मुखर्जी से कहा था, उस समय के वित्त मंत्री से कहा था कि ये चुराए गए एचएसबीसी के बैंक खातों के अकाउंट्स, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, हमने वो खाते भी एक सील्ड एनवेलप में दिए तो एसआईटी की कमेटी को हमारी सरकार ने दिए हैं, वो आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया, आते ही हमारी सरकार ने किए, उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।
आप सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते रहे? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको एसआईटी के गठन करने के लिए कहा तो जो अखबार में छपा था इन रिस्पॉन्स, द गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन, द यूपीए गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिव्यू पिटिशन विद द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट विच आस्क फॉर सेटिंग अप ऑफ एन एसआईटी टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक मनी एंड ट्रेवल अब्रॉड इफ नेसेसरी. द गवर्नमेंट आर्ग्यूड द ऑर्डर अमाउंटेड टू जुडिशियल ओवर रीच इन टू द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव. ये आपका विचार था, ये आपकी सोच थी. आप कभी जब सत्ता में थे ना तब काला धन वापस लाने के लिए आप समर्पित थे. आप तब भी काला धन जिन्होंने विदेशों में जमा किया उनको बचा रहे थे. आज भी आप प्रयास कर रहे हैं कि जिन्होंने काला धन विदेशों में रखा है उनको किसी ना किसी तरह से बचाया जाए. आप चाहते हैं कि उनके नाम जग जाहिर कर दिए जाएं. जैसे ही नाम जग जाहिर होंगे विदेशी सरकारें आपको उनके अकाउंट्स की सबूत नहीं देगी, जानकारी नहीं देंगी, और आप सत्ता से बाहर रहकर भी उस काले धन वालों को बचाने का कोई प्रयास कर रहा है तो मेरे कांग्रेस के मित्र विपक्ष में बैठकर कर रहे हैं. और यही मुझे दुख, यही इस बात का दुख होता है, सत्ता में रहें या विपक्ष में रहें, आपका काम केवल काला धन वालों के साथ है. एक मजेदार बात और, जब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी कांग्रेस के समय 2008 में हुई, 2011 में हुई, तब भी संधि करते करते इन्होंने कहा कि आप 1 अप्रैल 2012 के बाद के अकाउंट्स की जानकारी हमें दे दें, 1 अप्रैल 2012 से पहले के अकाउंट की जानकारी की हमें आवश्यकता नहीं है. यानी कि दिसंबर में करने के नवंबर दिसंबर में करते हुए आपने 4 महीने का समय और दे दिया कि आप 4 महीने में जिसको अपना खाते से पैसा निकालना आप निकाल लीजिए और बच जाइए, क्योंकि हमने तो 1 अप्रैल 2012 से खातों की जानकारी मांगी है. आपने जो इस देश के साथ किया देश ने आपको माफ नहीं किया, इसलिए आप 44 सीटों पर सीमित होकर रह गए. और यही नहीं, आपके समय तो एक घोड़े वाला बड़ा मशहूर था, पुणे का एक घोड़े वाला था, 40,000 करोड़ रुपए घोड़े वाले के बैंक खाते में था साहब. और उसमें 2007-2008 में जब उसके खिलाफ निर्देश दिए गए कार्रवाई करने के, आपकी सरकार सत्ता में रहते हुए 3 साल उसको कानूनी नोटिस नहीं दे पाई, एक घोड़े वाले से पूरी सरकार कांपती थी. चालीस हजार करोड़ रुपया घोड़े वाले के पास. और दुख तो इस बात का होता है उस पर भी आप लोग कार्रवाई नहीं कर पाए. कमेंट्स प्लीज. मुझे नहीं पता था कि मेरे इतने मित्र विपक्ष में भी हैं. शायद आपको ही जवाब देने के लिए मुझे यहां पर खड़ा रखा. एड्रेस द चेयर प्लीज. गिव अन एड्रेस द चेयर. डोंट नो डिबेट द पर्सन प्लीज. आई डोंट. प्लीज. इनफैक्ट जब कांग्रेस की सरकार थी सर, तब बहामास एक छोटा सा देश है सर. बहामास एक छोटा सा देश है. उसके साथ 2008-2009 में 2.2 मिलियन डॉलर का ट्रेड हमारा था, और ठीक 2 साल के अंदर बहामा जैसे देश के साथ 2.2 मिलियन डॉलर का ट्रेड बढ़कर 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो गया. कांग्रेस ने उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की काला धन वापस लाने के लिए. उस समय भी लगातार उस समय लोगों को बचाते रहे. इसलिए विदेशी देशों के साथ किस तरह से विदेशों से पैसे के जो टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी हम करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, अब विदेशी देशों को अगर हम अपने साथ नहीं रखेंगे, सब सहमत नहीं होंगे, तो आपको जानकारियां नहीं मिलेंगी. G20 के प्लेटफॉर्म पर ऑस्ट्रेलिया में
नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किसी देश ने काले धन की बात को रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा, और सभी देशों ने उसका समर्थन करते हुए कहा कि काले धन पर हम आपका सहयोग करेंगे। पूरी दुनिया भर में सहमति बनी कि जहां जहां पर ये काला धन का मुद्दा है वहां पर देश आपस में मिलकर काम करेंगे, और आतंकवादी गतिविधियों में जो पैसा लग रहा है हम उसको भी रोकेंगे, देशों को जो नुकसान होता है उसको भी रोकेंगे। और यहां पर और सबसे बड़ी मुझे लगता है मुझे लगता है सर, I permitted only Anurag to speak, not others. Nothing will go on regard. Don't disturb a speech. It's not the way. Go on making comments this side, that side. It's not correct. Please. No. Sir, जब काले धन का मुद्दा for a while, the honourable member is making his presentation. Intermittently, there are few members who are just keep on speaking, sir. It should be on both the sides. The member is speaking. No, no, that is. Request them. आपसे आग्रह है और एक रनिंग कमेंट्री का सिस्टम रखवाया गया है। टेक अप प्लीज प्लीज और आप नो आई सी आई रिक्वेस्ट नो नो आई थिंक विल गो अंडर गार्ड आई डोंट वांट एनी कमेंट्स फ्रॉम दिस एक्सेप्ट अंडर यू स्पीक नथिंग विल गो अंडर गार्ड बिकॉज आई एम सॉरी प्लीज सर यू आर अ सीनियर मेंबर प्लीज टेक योर सीट डोंट कमेंट प्लीज सर 2011-12 में जब काले धन का मुद्दा पूरे चर्चा पर था और शिखर पर था तब यूपीए की सरकार ने दे हैव ऑफर्ड सम सॉर्ट ऑफ एमनेस्टी टू अराउंड 100 इंडिविजुअल्स हुज नेम्स वर ऑन द लिस्ट द डील परपटली ऑफर्ड टू दीज टैक्स ऑफेंडर्स इज दैट दे वुड बी स्पेयर्ड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और पेनालिटीज इफ दे क्वाइटली रिपेट्रिएटेड देयर इलीगली पार्क्ड फंड्स इन HSBC जिनेवा। अब क्या क्या आप करते रहे, आज आप क्या क्या कर रहे हो? आप उस समय हर तरह से बचाते रहे कि किस तरह से काले धन वाले लोगों को बचाना है। आज जब सरकार कार्रवाई कर रही है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, लगातार हमने काम किया है, 667 इंडिविजुअल्स की हमने सूची SIT को सौंप दी है, SIT बना दी है, और इसके बाद जब हमारा वित्त मंत्रालय लगातार उस पर कार्रवाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों के मन में चिंता सता रही है कि बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है, ऐसा ना हो कि इनके बड़े बड़े लोगों का जो नाम आया जो आजकल हाउस में नजर नहीं आते, क्योंकि इस गंभीर मुद्दे पर इनके वरिष्ठ नेता आज सदन में हाजिर नहीं है। और जब महंगाई की चर्चा जिस दिन हुई थी कैप्टन साहब ने वहां से चर्चा की शुरुआत की, मैंने यहां से की थी, अभी चर्चा में आधे में पहुंचा था कैप्टन साहब और बाकी सब लोग सदन छोड़कर चले गए थे। उस लिस्ट में भी जो कांग्रेस के कुछ सांसदों के पूर्व मंत्रियों के नाम आए हैं वो जनता के सामने आए हैं, और हमारी पार्टी ने ये देश से वायदा किया है कि हम पूरी ताकत लगाएंगे और विदेशों में पड़ा काला धन हिंदुस्तान वापस लाएगी तो हमारी सरकार वापस लेकर आएगी। मुझे लग रहा है एक्चुअली हमारे दादा को बड़ी चिंता हो रही कि शारदा स्कैम की चर्चा क्यों नहीं हो रही, आखिर क्यों ना हो, ये भी जनता से जुड़े हुए हैं। और केवल यही नहीं, अगर आज शारदा की बात की जाए और वहां के सत्तारूढ़ दल वेस्ट बंगाल के की बात ना की जाए तो मुझे लगता है कहानी अधूरी रह जाती है। जिन्होंने काले कारनामे सड़कों पर किए, काला धन कमाया, वो काले छाते लेकर सदन में खड़े हो गए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चोर चोर मुसेरा भाई। मुझे नहीं पता था
कि कांग्रेस को तो काले धन पर चिंता हो सकती है कि आखिर टीएमसी को इतना दर्द क्यों होता था। यह दर्द इसीलिए था मित्रों क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक एक परत खुल रही है, कौन लोग उस स्कैंडल के साथ जुड़े हैं जहां पर 25 लाख से ज्यादा लोगों को, 25 लाख से ज्यादा लोगों के 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा अगर कहीं पर किसी स्कीम्स के माध्यम से गया है। सबसे बड़ा स्कैम कोई हुआ है तो शारदा स्कैम उसका नाम कहा जाता है। और किसी एक, अरे छोड़िए विदेशी खाते को, छोड़िए विदेशी खाते को, आज देसी की बात कर ली जाए। अरे विदेशों में तो लाखों करोड़ की बात करते हैं, यहां जो हजारों करोड़ पड़े उसकी बात कर ली जाए। आपका एक नहीं दो दो सांसद, और वो कहां पर हैं आज, और उनकी जानकारी देते हुए, और इनके सांसद कुणाल घोष जी हो, वो खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं मैं तो छोटा सा हूं, असली मलाई खाने वाले तो बड़े बड़े नेता हैं। अब ये एक पार्टी का चुना हुआ सांसद जो आपका वरिष्ठ नेता गिना जाता है, आपकी पार्टी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मित्रा जी जो शारदा कंपनी के एम्प्लॉयज यूनियन में प्रेसिडेंट, जो चीख चिल्लाकर कहते थे इस कंपनी में निवेश करो निवेश करो निवेश करो, ये कंपनी बहुत अच्छी है, इंडिविजुअल एलिगेशन इट वॉन्ट कंट्री कट नहीं इंडिविजुअल सर। अब काले धन पर चर्चा हो रही है तो अंधेरे में क्यों खुले में हो जाए। और वेंकैया जी ने कहा दिन में करेंगे और दिन में चर्चा हो रही है, उन्होंने 4 बजे कहा था, हमने 4 बजे से पहले शुरू कर दिए। और कुणाल घोष साहब लगभग 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 50 लाख रुपया एक महीना साहब जो अखबारों में छपा है, 16 लाख रुपए एक, और मुझे सुनकर चिंता होती है, मेरे मित्रों को पता होना चाहिए हाउस में, 16 लाख रुपया एक महीने की सैलरी और कुल पैकेज मिलाकर 50 लाख रुपया एक तृणमूल के सांसद को मिलता हो तो आखिर वो ढिंडोरा क्यों नहीं पीटेगा साहब। 6 करोड़ रुपए का पैकेज, ये अखबारों में छपी बातें जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा तो जिन लोगों के जनधन में अकाउंट नहीं खुले उन्होंने शारदा में पहले अकाउंट खुलवा लिए थे, देश को पता चल गया है मित्रों। और यही नहीं यहां तक कि और उपाध्यक्ष महोदय आपको सुनकर ये हैरानी होगी, इनके एक और सांसद निर्जय बोस, उन्होंने तो साफ साफ जो मीडिया का काम भी देखते थे वो बाकी मीडिया का काम कम देखते। अगर आप अनुमति दे दे तो मैं संजय बोस जी का नाम ले लूं। एनी एलिगेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल डोंट रिकॉर्ड, प्लीज प्लीज टेक योर, डोंट डिक्टेट मी प्लीज, आई टोल्ड यू एनी एलिगेशन इट वोंट गो इन रिकॉर्ड, दैट इज व्हाट आई कैन से, आई टोल्ड यू आई ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड एनी एलिगेशन इंडिविजुअल इट वोंट गो इन रिकॉर्ड, दैट इज ऑल इन एनीथिंग कम टू एक्सपेंज राइट, that will be expended if anything, I told you please sir, I told you anything in the irrigation it will be expended, I will take please 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 address chair upadhyaksh mohode, yes kya main keval isi sadan ke logon ka naam le sakta hu, who is accused in a black money, is he a pirate, we cannot mention his name, no is he a no. Any individual allegation cannot go on record, if at all anything will expend प्लीज। अब सर अब आप इस पर देखिए, प्लीज वाइंड अप, अब ये एक सदन से दूसरे सदन तक सर यहां पर इनका नंबर आएगा तब ये सब बोल सकते हैं। मेरा केवल इतना कहना है सर कि जो काला धन, जो काला धन कमाने में, काला धन वालों को संरक्षण देने में, फिर काली छतरी लेकर सदन में आने वाले, कम से कम इतना तो मर्यादा रखें कि बात सुन ली जाए।
आखिर ये मैं नहीं कह रहा, इनका एमपी कुणाल घोष कहता है कि मैं तो छोटा हूं, बड़ी मलाई खाने वाली तो कोई और है। और ये मैं नहीं कहता, ये सुदीप्त सेन जी कहते हैं कि मैंने तो 1,86,00,00,000 रुपए की पेंटिंग खरीदी है, तो बंगाल की मुख्यमंत्री की खरीदी है। सर 1,86,00,000 रुपए की पेंटिंग, क्या इससे पहले कभी उनकी पेंटिंग इतनी महंगी बिकी? अगर नहीं बिकी तो क्यों नहीं बिकी? अगर बिकी तो शारदा ने क्यों खरीदी? अगर शारदा ने खरीदी तो न्यूज़पेपर खरीदने के लिए शारदा की कंपनियों के क्यों मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्कूल में, हर लाइब्रेरी में शारदा कंपनी के न्यूज़पेपर होने चाहिए? अगर ये कहीं पर गठजोड़ है तो तृणमूल कांग्रेस और शारदा का है। आप इस बात से पीछा कैसे छुड़ाएंगे? आपकी सरकार कहती है लाइब्रेरी में उनकी अखबारों को देखा जाए, उनके चैनल्स को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, उनकी कंपनी 1,86,00,00,000 रुपए में आपकी मुख्यमंत्री की पेंटिंग खरीदती है, लाखों रुपए आपका सांसद वहां से, लाखों रुपए आपका सांसद वहां से उसको सैलरी मिलती है, 6,00,00,000 रुपए का पैकेज दिया जाता है। आपके लैंडमार्क सीमेंट जो आपके टेक्सटाइल मिनिस्टर मिस्टर मुखर्जी की कंपनी जो को ऑनर है उसको खरीदता है, तो शारदा स्कैम की कंपनी का मालिक खरीदता है, और आप यहां पर खड़े होकर काली छतरियां लेकर यहां पर आकर देश को गुमराह करने का प्रयास। कृपया करके इस देश के चुने हुए सदस्यों को गुमराह करने का प्रयास मत कीजिए। प्लीज वाइंड अप। और मैं तो यही कहना चाहता हूं, 18 पेज का कॉन्फिडेंशियल लेटर जो इस कंपनी के मालिक ने सीबीआई को लिखा है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के कितने लोगों को इन्होंने पैसा दिया है। और यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा, आज मेरे असम के मित्र वहां पर बैठे नजर नहीं आ रहे, वहां के भी मंत्रियों के नाम बीच में आते हैं, एक नहीं दो दो मंत्रियों के नाम बीच में आते हैं। और यही नहीं, उनको भी सीबीआई जांच के लिए बुलाती है। सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी, हम उस समय का इंतजार करेंगे। हमारी सरकार निष्पक्ष जांच के लिए पहले भी राजी थी, आज भी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं ये देश के अंदर सीबीआई और विदेशों के साथ हमारा वित्त मंत्रालय काम कर रहा है। हमने जितना भी काम आज तक किया है, हमने 627 बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी है, जो हमारी दूसरी देशों के साथ डीटीए पर जो बातें हुई है, जो हमारी चर्चा हुई है, वो सारी जानकारी भी हमने सर एसआईटी को दी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं तृणमूल वालों, जो मैंने तीसरी बात कही थी कि पहला काला धन आपके खजाने में नहीं आता, दूसरा आपके विकास में खर्च नहीं होता, और तीसरा आतंकवादी गतिविधियों में लगता है, आपका एक सदस्य, नाम आप बताएंगे कि मैं बता दूं? अहमद हसन इमरान अ टीएमसी एमपी एंड अ फाउंडर मेंबर ऑफ स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एंगेज विद जमात इस्लामी अ बांग्लादेशी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू मूव मनी आउट ऑफ इंडिया। यानी कि यहां से पैसा वो बांग्लादेश भेजता था ताकि वहां की जो टेररिस्ट आउटफिट थी उनको सहयोग दिया जाए, और सबको ये पता है वह कहां से किसके खिलाफ काम ये केवल काला धन लाखों लोगों की आपने जेब ही नहीं काटी है, आपने हिंदुस्तान का पैसा ही केवल काला धन अपनी जेब में नहीं डाला है, आपने उन लोगों का समर्थन किया है जो हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इस बात का जवाब आपको हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को देना होगा। आप अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग नहीं सकते। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, और यही नहीं, एक तरफ पेंटिंग से फंड रेजिंग की जाती है, दूसरी तरफ उसी कंपनी से पैसा लेकर आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है, और तीसरी तरफ काला छाता लेकर इसी सदन में लोगों पर काले चश्मा पहनाने का प्रयास किया जाता है। इतनी सफाई के साथ
इतनी सफाई के साथ कोई हिंदुस्तान और एक प्रदेश के लोगों को लूटता है सर, तो मैं काला जादू तो कहूंगा नहीं क्योंकि मेरे चुने हुए सदस्य हैं। आप ये दूसरे हाउस की बात करते थे, इसी हाउस की एक सदस्य हैं सर, वो इस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, है कि नहीं है? उनके समर्थन में अब कोई नहीं आ रहा है। देखिए अब मैं बोलता हूं तो कहते बोलता हूं, लेकिन सच बोलता हूं सर, जो अखबारों में छपा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके पास इस काले धन को लेकर मेरे टीएमसी के मित्रों के पास और जानकारी होगी जो अभी तक मीडिया में नहीं आई, आप सदन में रखिए, तब आप सच्चे देशभक्त माने जाएंगे कि आप सही मायने में काले धन को बचाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। और जहां तक मेरी सरकार की बात है, हमने पहले दिन एसआईटी का गठन किया, हमने उनको पूरी जानकारी दी, हमने G20 में जाकर बाकी देशों को अपने साथ लाकर खड़ा किया। इस देश का प्रधानमंत्री आज वो ताकत रखता है जब दुनिया के किसी देश में जाकर बात करता है तो पूरी दुनिया की ताकतें उसके साथ आकर खड़ी हो जाती है। यह हिंदुस्तान की जनता ने पूर्ण बहुमत 30 वर्षों के बाद किसी राजनीतिक दल को दिया तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और हम उसका सम्मान करते हैं। इसलिए पहले दिन हमने एक वायदा, हमने वो पूरा भी किया और हमारी पार्टी लगातार उस पर काम भी कर रही है। मेरे दूसरे सहयोगियों को भी इस विषय पर बोलना है, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हम गुमराह नहीं करते सर, लेकिन मैंने पहले कहा खड़गे जी, आप सत्ता में थे तब भी काला धन वालों को बचा रहे थे, आज आप विपक्ष में हो आप तब भी काला धन वालों को बचा रहे हो, तब आप एमनेस्टी देने की बात करते थे, तब आप सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 3-3 साल तक एसआईटी का गठन नहीं करते थे, तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते थे, तब आप कोई कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, हमारे वित्त मंत्री यहां बैठे हैं, हमारे वित्त मंत्री जी ने एसआईटी का गठन भी प्रधानमंत्री ने किया, जानकारी उन्होंने बैंक को सब दी, एसआईटी के जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, और पूरी दुनिया भर की ताकतों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के अनुसार पूरी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी सरकार जिन लोगों ने पैसा विदेशों में रखा है काला धन वापस भी लाएंगे, जानकारी भी लाएंगे, सबूत भी इकट्ठे करेंगे, और आप चाहते हो सबूत ना मिले, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे, सबूत लाएंगे और दंड दिलाकर जनता को और हिंदुस्तान को जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।